हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही जबरदस्त लिवर टॉनिक के नाम से भी आप जान सकते हैं पुनर्नवा रिस्ट के बारे में, जिसका जिक्र मैंने अपने काफी वीडियोस में कर रखा है। आप लोग बार बार पूछते भी हैं कि इसको सिर्फ लीवर के लिए ही लिया जा सकता है या इसके और भी बेनिफिट्स हैं, तो मैं इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। एक्चुअली ये सिर्फ लीवर के लिए नहीं, उसके साथ साथ में और भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, जिसको आपको लेना चाहिए। अगर इस टाइप की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। ये आयुर्वेद का बहुत ही माना जाना, बहुत ही फेमस औषधि है और ये बिल्कुल क्लासिकल मेडिसिन है, यानी कि किसी भी ब्रांड में आपको अवेलेबल हो जाएगा। चाहे आप पतंजलि का लेना चाहें, डाबर, वैद्यनाथ, इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां आयुर्वेद की मेडिसिन बनाती हैं, लगभग सभी ब्रांड्स में ये अवेलेबल है, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त काम करता है। सो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आप भी इसका सेवन कर रहे हैं या फिर सेवन करना चाहते हैं या फिर इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक है, और आज के टॉपिक में जो सिरप है, जो मेडिसिन है, उसका नाम है पुनर्नवा रिस्ट, या एक सिरप के रूप में आता है जिसका लीवर टॉनिक के रूप में बहुत ही ज्यादा सेवन होता है हमारे देश में। लेकिन इसके और भी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। वैसे तो इसका मुख्य इंग्रेडिएंट जो है वो पुनर्नवा नाम की जड़ी है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला करके इसको तैयार किया जाता है। और अगर इसके मुख्य और इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर पुनर्नवा, बला, पाठा, वासा, गिलोय, चित्रक, पुराना गुड़, शहद, नाग केसर, दालचीनी, इलायची, काली मिर्च और तेजपात जैसे, इस तरीके से बहुत सारी जड़ी बूटियों को मिला करके जो है ये सिरप को तैयार किया जाता है। लेकिन इसको तैयार करने की जो विधि है वो बहुत ही जबरदस्त है, जिसके वजह से ये दवा जो है इस तरीके से काम करती है। ये लीवर और पेट से रिलेटेड अनगिनत रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी औषधि मानी जाती है। लेकिन इसके और भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं, तो हम वन बाय वन करके सभी फायदे के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, लीवर से रिलेटेड ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि मानी जाती है। तो अगर आपको लीवर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, खाना प्रॉपर तरीके से नहीं हजम होता है, लीवर फैटी हो गया है, तो आप जो है पुनर्नवा रिस्ट का सेवन कर सकते हैं। जिनको IBS की प्रॉब्लम है, यानी कि संग्रहणी की प्रॉब्लम है, यानी आप जो कुछ भी खाते हैं खाने के 2 घंटे के अंदर अंदर या फिर तुरंत बाद जो है आपको शौचालय जाने की जरूरत पड़ती है, या फिर दिन में कई बार आपको शौचालय जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको पुनर्नवा रिस्ट का सेवन करना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त असर देखा गया है, और खास करके हमारे देश में ये संग्रहणी के लिए ही, यानी कि IBS प्रॉब्लम के लिए ही सबसे ज्यादा बिकता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। जिनका लीवर फैटी हो गया है तो उस कंडीशन में भी इसका बहुत ही जबरदस्त असर देखा जाता है। बहुत सारे लोगों को जो है, होते तो वो दुबले पतले हैं, लेकिन उनकी पूरी शरीर सूज जाया करती है, उनके फेस पर सूजन आ जाया करता है, जिसके वजह से दिखने में तो लगता है कि वो काफी मोटे ताजे हैं, लेकिन उनकी बॉडी सूजन के वजह से जो है मोटी लगती है, जिसके वजह से उनके शरीर में ताकत नहीं होती है, वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं और उनको बिल्कुल जो है आलस से घेरा हुआ रहता है। तो इस टाइप की जिनको प्रॉब्लम है उनको पुनर्नवा रिस्ट का सेवन करना चाहिए, जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर शरीर के अंदर या शरीर के बाहर किसी भी प्रकार का सूजन है, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, चाहे वो बॉडी में किसी भी अंग का सूजन हो, चाहे वो इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, तो किसी भी प्रकार की बॉडी में सूजन हो, तो आप उस कंडीशन में पुनर्नवा रिस्ट का सेवन कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में किसी भी प्रकार का सूजन अगर है तो उसको खत्म करने का काम करता है। लीवर सिरोसिस में इसका बहुत ही ज्यादा भूमिका देखा गया है। जिनको लीवर सिरोसिस हो गया है उस कंडीशन में भी इसका सेवन करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, अक्सर माँ बहनों को देखा जाता है कि उनको अक्सर खून की कमी हो जाए करती है, लीवर खराब हो जाया करता है, डाइजेशन सिस्टम उनका बिगड़ जाया करता है, और खून कमी होने की वजह से बार बार उनको आलस्य रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, तो इस कंडीशन में आपको जो है पुनर्नवा रिस्ट का सेवन करना चाहिए। खून बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा मदद करता है।
जिन लोगों को पेट में अक्सर दर्द रहता है, अक्सर मरोड़ होता रहता है, उनको क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर कारण किस वजह से है, कि क्यों ऐसा दर्द हो रहा है। तो अगर इस टाइप की कंडीशन है, पुराने से पुराना अक्सर थोड़ा मोड़ा दर्द होता रहता है, पता नहीं लग पा रहा है, दवा खाते हैं सही हो जाता है फिर दोबारा हो जाया करता है, तो उस कंडीशन में जो है आपको पुनर्निवारिष्ट सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। जबरदस्त असर दिखेगा और जड़ से बिल्कुल भी वो दर्द खत्म करने में आपका मदद करेगा। बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती, खाना तो है, सेहत बनाना है, बट भूख नहीं लगती तो कैसे खा सकते हैं। तो जिनको भूख नहीं लगती उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये जो है आपके लीवर को बिल्कुल भी साफ करके और आपके लीवर को ताकत देगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को ये सही करके और आपकी भूख को बढ़ाने में ये बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ये आपके पूरे डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। जिनकी किडनी सही तरीके से काम नहीं करती, जिसके वजह से मूत्र से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उनको घेरे रहती हैं, जैसे पेशाब में जलन हो गया, पेशाब बार बार आता है, पेशाब रुक रुक करके आता है, पेशाब काला या पीला होता है, लाल या पीला होता है, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है किडनी खराब होने की वजह से होती है। तो इस टाइप की जिनको प्रॉब्लम है उन्हें पुनर्निवारिष्ट सिरप का सेवन करना चाहिए। ये जो है सभी प्रकार के रोगों को खत्म करके और आपके पेशाब को बिल्कुल भी साफ करने में मदद करेगा। तो इस टाइप की जिनको भी प्रॉब्लम है उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। जिनके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो जोड़ों में दर्द होने लग जाता है और भयंकर दर्द जो है हड्डियों में होता है, जोड़ों में होता है, और ये जब दर्द बढ़ता है तो उसे गठिया का रोग बोलने लग जाते हैं। तो यानी गठिया का जिनको रोग है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या फिर कंधों पे दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में जो है इसका सेवन करना चाहिए। ये यूरिक एसिड को गला करके बहुत जल्द से जल्द बाहर निकालेगा और आपका गठिया का रोग जो है बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक करने में मदद करेगा। जिनके पेट पे ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत लोगों की शिकायत है, कमेंट भी आ रहे हैं कि पेट की गर्मी के लिए कोई भी दवा बता दीजिए, तो जिनके पेट में गर्मी ज्यादा रहती है उन्हें भी पुनर्निवारिष्ट सिरप का सेवन करना चाहिए। जिनको बार बार पीलिया होने का चांसेस रहता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साल में एक दो बार पीलिया हो जाया करता है, जिनकी आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला आने लगता है, तो जिनको इस टाइप की बार बार प्रॉब्लम होने लग रही है उन्हें जो है इसका सेवन 2-4-6 महीने कर लेना चाहिए। बार बार जो पीलिया से ग्रसित हो रहे हैं उनको जो है परमानेंटली ये जो है क्योर करेगा और बिल्कुल कभी भी होने से ये रोकेगा। तो पीलिया जिनको हो रखा है उन्हें भी इसका सेवन करना चाहिए। पीलिया से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी अगर दवा ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी जो है इसका सेवन आपको करना चाहिए, बहुत ही जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। यह आपके लीवर को साफ करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम सही बनेगा और आपका पेट सही रहेगा। पेट सही रहने की वजह से आपके चेहरे पर बिल्कुल कांति आएगी और आपकी त्वचा बिल्कुल निखरी हुई रहेगी। कब्ज में ये बहुत ही अच्छा काम करता है, और जिनको कब्ज बहुत ज्यादा रहता है या फिर काफी पुराना कब्ज का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इसको जो है अभयारिष्ट के साथ लेना चाहिए। जितनी पुनर्निवारिष्ट है उतना ही अगर आप अभयारिष्ट को मिला करके दोनों को एक साथ लेते हैं तो कब्ज की समस्या में ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। जिनको ज्यादा हिचकी आती है, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हिचकी अक्सर आ जाया करती है और जब हिचकी आने लगती है तो कुछ भी कर लें हिचकी जल्दी रुकने का नाम नहीं लेती, तो उन लोगों को भी इसका सेवन करना चाहिए। चर्म रोग, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे बड़े बड़े त्वचा रोगों में, त्वचा एलर्जीज में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसके साथ खदिरा रिष्ट का सेवन करते हैं, यानी कि खदिरा रिष्ट के साथ पुनर्निवारिष्ट का सेवन करते हैं दोनों मिला करके। तो जिनको चर्म रोग यानी कि स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रोग है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हैं बार बार, तो कहने का मतलब जिनको छाले बार बार पड़ते हैं इसका मतलब ये है कि उनके पेट में गर्मी है, उनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है। तो जिनके मुंह में बार बार छाले पड़ते रहते हैं उन्हें भी इसका सेवन कर लेना चाहिए, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। जिनको खूनी बवासीर है उसमें बहुत ही अच्छा मदद करता है, तो उन्हें भी इसका सेवन कर लेना चाहिए। जिन लोगों को कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख तो लगती है पर खाने के प्रति उनकी रुचि नहीं बन पाती है, तो उस कंडीशन में अगर आप पुनर्निवारिष्ट का सेवन करते हैं तो ये आपके खाने की रुचि को बढ़ाएगा
और आपके भूख को भी बढ़ाएगा, जिसके वजह से आप अच्छे से खाना खाएंगे और आपके डाइजेशन सिस्टम को सही करके रखेगा, जिसके वजह से आपको बार बार अच्छे से अच्छी भूख लगेगी और आप अपने सेहत को बना पाएंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं पुनर्नवा रिष्ट की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताते रहें। अगर ये वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर हम इसकी डोज की बात करें तो 3 से 4 चम्मच तीनों टाइम लेना चाहिए खाने के बाद, यानी कि सुबह दोपहर शाम। जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो 3 से 4 चम्मच आप जो है बराबर पानी में मिला करके और तीनों टाइम आपको लेना है, रात में भी खाने के बाद, दोपहर में भी और सुबह में भी खाने के बाद आप इसको लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दवाओं से मुक्त होने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।